नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को अगले हफ्ते तक भारत में अपने स्पेस बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज को लॉन्च करने की मंजूरी मिल सकती है। ईडी टेलीकॉम की हालिया रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि यह जानकारी स्टारलिंक की ओर से अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड को क्लैरिफिकेशन भेजे जाने के बाद मिली है। ईटी टेलीकॉम के एक सूत्र का कहना है कि स्टारलिंक ने DPIIT को जवाब दिया है और अगले कुछ दिनों में या इस महीने के आखिरी तक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले बजलाल सरकार अपने 100 दिन के अचीवमेंट को जनता के सामने रखने का प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार ने हर विभाग को ऐसी योजनाएं बनाने के निर्देश दिए हैं जिनको 100 दिन में लागू करके पूरा किया जा सके। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने इस 100 दिन की कार्य योजना में 9 से ज्यादा शहरों में नई आवासीय योजनाओं को लॉन्च करने का निर्णय किया है। इन योजनाओं में 2900 से ज्यादा मकान बनाकर लोगों को आवंटित करने की योजना है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर कुमार पाल गौतम ने बताया इस स्कीम को 7 फरवरी तक लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। उन्होंने बताया ये स्कीम बड़े शहर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, भिवाड़ी के अलावा धौलपुर, नागौर, हनुमानगढ़, सिरोही और आबू रोड में आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को तमिलनाडु दौरे पर रहे। यहां उन्होंने 2 मंदिरों में पूजा अर्चना की। पीएम पहले तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर गए। उसके बाद अंदलनाम के हाथी को गुड़ खिलाया और आशीर्वाद लिया। दोपहर में उन्होंने रामेश्वरम में रोड शो किया। उसके बाद पीएम ने रामेश्वरम के अग्नि तीर्थम पर डुबकी लगाई, फिर भगवान रामानाथम स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां उन्होंने रामायण पाठ और भजन संध्या में हिस्सा लिया। श्री रंगनाथ स्वामी और रामेश्वरम मंदिर भगवान राम के जीवन से जुड़े हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के समारोह से पहले प्रधानमंत्री उन मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं जिनका रामायण में जिक्र है। त्रिची के श्रीरंगम में बना श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर देश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि रंगनाथ स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर काल यानी 1336 से लेके 5565 के दौरान किया गया था। इस मंदिर का उल्लेख पुराने ग्रंथों में भी मिलता है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज जोधपुर दौरे पर है। इस दौरान सर्किट हाउस में स्वागत कार्यक्रम के दौरान अजीब वाक्य सामने आया। दरअसल हुआ यूं कि सर्किट हाउस में एक कार्यकर्ता के हाथ में पॉलिथिन देखकर शिक्षा मंत्री बुरी तरह भड़क गए। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री ने कार्यकर्ता से पूछा कि आप कांग्रेस पार्टी से हो। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोबारा पॉलिथीन में फूलों की माला रखकर लाए तो भगा दूंगा। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की शैक्षिक सम्मेलन में शिरकत करने के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज सुबह जोधपुर पहुंचे। इससे पहले वो सर्किट हाउस गए थे जहां पर शिक्षा मंत्री के सम्मान में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। तभी शिक्षा मंत्री के स्वागत के लिए एक कार्यकर्ता पॉलिथीन में फूलों की माला लेकर सर्किट हाउस पहुंचा, लेकिन शिक्षा मंत्री ने जैसे ही कार्यकर्ता के हाथ में पॉलिथीन देखी तो वो भड़क गए और कार्यकर्ता से पूछा कि आप कांग्रेस से हो क्या? मोदी के विरोध में क्यों काम कर रहे हो? इस दौरान मौके पर मौजूद लोग अपनी हंसी को नहीं रोक पा रहे थे। भाजपा और जदयू नेताओं के बयानों से बिहार की राजनीति में उथल पुथल का माहौल बना हुआ है। वहीं अब एनडीए में शामिल पशुपति पारस ने इंडी गठबंधन को लेकर बयान दे डाला है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का टूटना 100% तय है और राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के बाद एनडीए के लिए अच्छा डेवलपमेंट होगा। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के बीच मतभेद गहरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अशुभ माना जाने वाला खरमास का समय जा चुका है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। शुभ समय शुरू हो चुका है और जो भी होगा वह एनडीए के लिए अच्छा होगा। उन्होंने आगे कहा कि बिहार समेत पूरा देश राम मंदिर को लेकर उत्साहित है। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर। तब तक के लिए नमस्कार।